बाल आश्रम सुजानपुर से दीवार फांदकर रविवार देर रात भागे चार बच्चों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। हालांकि एसपी हमीरपुर अरजीत सेन ठाकुर ने आश्रम में जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था जांची। इस दौरान एसपी ने आश्रम में सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां भी पाई, जिन पर सुधार के लिए प्रशासन को भी बताया जाएगा। एसपी ने बच्चों के भागने की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली। बाल आश्रम सुजानपुर से दीवार फांदकर रविवार देर रात भागे चार बच्चों का कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि एसपी हमीरपुर अजीत सिंह ठाकुर ने आश्रम में जाकर घटनास्थल का जायजा लिया और सुरक्षा व्यवस्था जांची। इस दौरान एसपी ने आश्रम में सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां पाई, जिन पर सुधार के लिए प्रशासन को भी बता दिया। एसपी ने बच्चों के भागने की सीसीटीवी फुटेज भी खंगाली। आपको बता दें कि बच्चे मुख्य अधीक्षक के आवास का ताला खोलकर फरार हुए। बच्चों के भागने की वीडियो बाल आश्रम में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। हालांकि पुलिस को सूचना मिलते ही क्षेत्र में सर्च अभियान शुरू हो गया, लेकिन आज तक बच्चों का पता नहीं चल पाया है। सुजानपुर बाल आश्रम से इससे पूर्व भी कई बार बच्चे भाग चुके हैं। बच्चों के भागने का सिलसिला लगातार जारी रहने से अनहोनी होने का डर बना रहता है। पुलिस अधीक्षक अरजीत सेन ठाकुर ने कहा कि वे स्वयं मौके पर गए थे। उन्होंने आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था में कुछ कमियां पाई हैं। बच्चों को ढूंढने के लिए सर्च अभियान लगातार जारी है। सीसीटीवी फुटेज और लोगों से पूछताछ के आधार पर जानकारी एकत्रित की जा रही है। इससे बच्चों के भागने की दिशा का पता लगाया जा रहा है। वहाँ पे हमको कंफर्मेशन आई कि चार बच्चे जो हैं वो वहाँ से मिसिंग है। उसमें से एक बालक जो है वो दिल्ली से है, बाकी तीन जो है वो हिमाचल के ही हैं। ये खबर हमको डायरेक्टर सॉरी जो उस संस्थान के इंचार्ज हैं उनके थ्रू मिली है। थाना प्रभारी जो है इस पर अननेसेसरी कार्रवाई कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि कुछ हमको इसमें जल्दी सक्सेस होगी। ये ज़रूर देखने को आया है, पीछे अभी कुछ महीने पहले भी वहाँ से कुछ बच्चे जो है निकल गए थे और फिर उनका वेयर अबाउट्स ढूंढने के लिए पुलिस को काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। ये देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे 35-30 से 40 के आसपास बच्चे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए कितना अरेंजमेंट किया है वो सब देखना एक सर्वे करने का विषय रहेगा। क्योंकि आए दिन अगर ये बच्चे इस तरह से वहाँ से निकल के कहीं मिसिंग होते रहे तो ये पुलिस के लिए एक रेगुलर रूटीन वर्क हो जाएगा। तो हम वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रतिनिधियों और ऑफिसर्स के साथ बैठ के इसके ऊपर एक विचार विमर्श करेंगे ताकि कम से कम एक इस तरह का सिक्योर माहौल मिले। अगर वो बच्चे जा भी रहे हैं कहीं तो उनका एक शेड्यूल बने और सिक्योरिटी कैमराज और प्रॉपर सिक्योरिटी उस बाल आश्रम में प्रोवाइड हो ताकि इस तरह के इंसिडेंट रेगुलर बेसिस पे ना होते रहे। सर, 40 बच्चे हैं पुलिस में और इस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है प्रबंधन की तरफ से। जी, उनका कहना है कि एग्ज़ाम के डर से भाग रहे हैं, तो कहाँ तक बाजी बेहतर? ये अभी देखना पड़ेगा कि वो एग्ज़ाम के डर से भाग रहे हैं या कोई और कारण है कि उनके लिए आना जाना वहाँ से बहुत आसान है। हालाँकि ये इंक्वायरी का विषय है, तो एक बार जब दोनों हम बैठ के इस पर चर्चा करें तो जो मतलब वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ बैठ के हम इस पर चर्चा करें तो कुछ ना कुछ इसका हल निकलेगा ज़रूर। पर अभी हमारी प्राथमिकता इन चारों बच्चों को ढूंढना और उनकी सही सलामती से वापसी हमारी प्राथमिकता है।